हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़ और आज हम रिव्यू करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और यूट्यूब के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। यूट्यूब के नहीं, हमारे चैनल के यूट्यूब के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज हम रिव्यू करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जिसने लॉलीवुड हमारे मतलब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नींदें भी उड़ाई हुई हैं। नींदें क्यों उड़ाई हुई हैं कि जी सारे सिनेमाज फुल हैं पर मूवीज देखने के लिए मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के लिए पाकिस्तानी फिल्म कोई नहीं देखना चाहिए। वो मैंने मसला आपको पहले अपने पिछले जो प्रीवियस मेरा वीलॉग था उसमें डिस्कस कर दिया था। इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा कि मार्वल फैंस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट थी फिल्म और क्यों कुछ फैंस को इसने मायूस किया। मार्वल फैंस के लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से थी कि ये एमसीयू फेज 4 का हिस्सा था। एमसीयू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो एंड गेम के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद आपको कई अच्छे शो जिसमें हॉकआई, जिसमें आपको वांडाविजन, जिसमें लोकी, जिसमें मून नाइट और जिसमें मूवीज आपको मिली, इटर्नल्स मिली, जिसमें आपको नो वे होम, स्पाइडरमैन नो वे होम मिली, मतलब ऐसी मूवीज। डॉक्टर स्ट्रेंज को नो वे होम के बाद अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आप देखेंगे। उसके अलावा इसमें वांडा वियन की कंटिन्यूटी के बाद वांडा आई है, वांडा मैक्सिमोफ जो स्कारलेट विच हैं वो वापस आई हैं। स्कारलेट विच का इस मूवी में पूरा पोटेंशियल जो अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स था वो पूरा पोटेंशियल यूज़ किया गया, जिसमें उनकी फुल पावर की लिमिट, उनकी मतलब ब्रूटलनेस जैसी वो कॉमिक्स में ब्रूटल स्कारलेट विच थी और डार्क होल्ड का कंटिन्यूटी जो वांडा वियन के बाद इस मूवी में आई। मायूस क्यों किया इस फिल्म में? इस फिल्म की मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, मतलब लोग पागल थे, ट्रेंड टॉप के पिछले 6 महीने से टॉप ट्रेंड थे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। इस मूवी की अच्छी प्रमोशन हुई पर प्रमोशन सारी फेक थी, ट्रेलर फेक, ट्रेलर में सीन्स जो थे वो फेक थे, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जो फेक थे। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो पहले मूवी देखें फिर ये वीडियो देखें, नहीं फिर आप कहेंगे स्पॉइलर दे दिए। तो इस मूवी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, जैसे नो वे होम से थी। नो वे होम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पूरी उतरी, मतलब उसमें आपके पुराने स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड, मतलब एक पूरा एक ग्रुप आपको जो स्पाइडर वेब वॉरियर्स का पूरा ग्रुप मिलता है वो आपको मिला था, जिसमें उनके पुराने विलन्स डॉक ऑक, लिजर्ड, उसके अलावा आपका जो मेन विलन उसमें सारे में था गॉब्लिन, ग्रीन गॉब्लिन। उसके अलावा आपको मतलब पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी उतरी थी। उसके अलावा आपका इस मूवी ने जो मायूसी की रीज़न क्या है, पूरी मूवी की स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, मतलब शुरू हुई है आपका मतलब आपको दिखा दिया उन्होंने शुरू में कि जी वांडा विलन है और वांडा आपको पता है कि पिछली कई मूवी से हीरो थी, हीरोज़ के लिस्ट में अवेंजर है वो, और उसको विलन, तो आपको पता है कि जब कोई विलन जब कोई हीरो विलन बनता है, जब वो अपनी डार्क साइड पर जाता है तो वो हमेशा मोड़ के वापस शर्मिंदा होकर वापस आता है, तो ये सबको पता था कि वो एंड पे शर्मिंदा होके वापस एक हीरो बनने के लिए कोई सेक्रीफाइस कोई चीज़ करेगा, तो ये आपको एंड पे दिखा दिया गया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मूवी के कंटेंट की वजह से, तो आप मूवी देखें आपको मूवी बेहतर समझ आएगी। और इसको मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इन्होंने नाम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रखा, जैसे कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन अगर आप लोगों में से किसी ने देखे हैं तो उसमें एक पूरी एपिसोड की सीरीज थी जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें स्पाइडरमैन डिफरेंट मल्टीवर्स के डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है और वहाँ डिफरेंट अपने वर्जन्स को मिलता है, डिफरेंट उसको करेक्टर्स मिलते हैं, डिफरेंट वहाँ पे डायनामिक्स होते हैं, डिफरेंट कलर स्कीम्स होती हैं, पर इसमें वो आपको कुछ नहीं दिखाया गया। इससे ज़्यादा बार तो जो फ्लैश हमारा CW वाला वो दोपहर के खाने तक इतनी ज़्यादा अर्थ पर घूम लेता जितना ये पूरी मूवी में घूमे, दो अर्थ पर घूमे। इन्होंने इल्यूमिनाटी के इतने रेफरेंस दिए, इन्होंने एक्समैन के इतने रेफरेंस दिए ट्रेलर में अपने दिखाए, पर एंड पे कुछ भी नहीं था। एक अकेला बेचारा प्रोफेसर जेवियर आया और वो भी बेचारे तीलियों की तरह सारों को इन्होंने बिखेर दिया। कैप्टन मार्वल जो इतना हाई पावर करेक्टर था उसको इन्होंने पुतले के नीचे दे के मार दिया। सारी मूवी रिवॉल्व करी थी वांडा के इर्द गिर्द, डॉक्टर स्ट्रेंज का बीच में कुछ भी नहीं था। एक दो सीन होंगे हद से पर मतलब कोई
डायनामिक सीन्स जो आपको एक लगे कि जी एक मूवी में एक मेन कैरेक्टर का ये डायनामिक सीन है, वो इस पूरी मूवी में आपको कहीं नज़र नहीं आया। तो ये इस वजह से ही मायूस कौन थी। उसके अलावा मूवी अपना जो कॉमिक मतलब कॉमिक एक्यूरेट थी थोड़ी, इसमें कॉस्ट्यूम्स कॉमिक एक्यूरेट आए, आपकी स्कारलेट विच को उसका कॉमिक एक्यूरेट वो मिला, क्या कहते हैं उसका कॉस्ट्यूम मिला स्कारलेट विच का, जो लेटेस्ट आपकी 2016 एडिशन कॉमिक बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको वांडा वियन में उसकी ओल्डर वर्जन भी, वियन का भी आपको ओल्डर वर्जन का कॉमिक जो हेलोवीन सूट उन्होंने पहने हुए थे, ये उनके 1990 से जो पहले के उनके कॉमिक बुक्स थी उसके अकॉर्डिंग मार्वल आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रियल लाइफ करेक्टर्स हैं उनको उनके कॉमिक कॉस्ट्यूम्स में ला रहे हैं। ये एक आपको ईस्टर एग्स मिलते रहेंगे बीच में पूरे शोज के दौरान। अब वांडा जो है हमें दोबारा देखने को मिलेगी, वियन भी हमें दोबारा देखने को मिलेगा, पर इस मूवी ने इतना डिसअपॉइंट किया कि इन्होंने जो हाइप बनाई थी, जो बताया था कि जी ये करेक्टर आएगा, ये होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो आपको कहूँगा मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि अगली आपकी थॉर लव एंड थंडर आनी है, उसमें भी कोई कनेक्शन होगा लाजमी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं थॉर रैग्नारॉक में आए थे। मुझे लगता है कि दोबारा भी आएंगे और दोबारा भी कहीं क्रॉस ओवर होगा। मून नाइट ने फैंस को बहुत पसंद है, हालांकि उसकी सिर्फ दो चीज़ें बुरी थी, उसकी दो चीज़ें ये बुरी थी कि उसके एक तो 6 एपिसोड्स थे और दूसरा आने 6 एपिसोड थे। ये बहुत बड़ी एक मसला था जो कॉमिक जो जितने फैंस थे वो इस वजह से गुस्सा था कि भाई इस मतलब एक अच्छी सीरीज आप निकाली उसके 6 एपिसोड टोटल क्यों निकाले। पर उन्होंने मार्वल ने ट्वीट की थी, पहले कहा जी दिस इज द सीरीज फाइनल, बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट करके कहा सीजन फाइनल। तो इससे ये हमें पता चलता है कि मून नाइट का अगला सीज़न भी आएगा। इसी तरह की न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी आपके क्या कहते हैं चैनल पे, इसी चैनल पे मैं आपको दोबारा मिलूंगा और ऐसे ही हम आपसे बातें करते रहेंगे। आपको कोई रिव्यू, कोई कमेंट, कोई चीज़ आपने जो मुझसे कहनी हो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। प्लीज़ गालियाँ वगैरह और ये चीज़ें ना दिया करें कमेंट्स में, वो YouTube ऐसे रिमूव करता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता। तो आपने जो कोई जेन्युइन बात करनी है वो आके करें और ऐसे ही मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।